दीपावली पर मौत का तोहफा देकर भाई ने बहन को तारा। मौत के घाट हत्या के बाद भाई फरार, शादी से नाराज था पूरा परिवार। भागलपुर में ऑनर किलिंग का मामला तेजी से सामने आया है। आपको बताते चले कि दीपावली के दिन भाई ने अपनी बहन को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कारण सिर्फ इतना था कि लड़की का परिवार इस लव मैरिज से नाराज था। ताज़ा मामला भागलपुर जिला के सजौर थाना के चंद्रमा गांव का है। चंद्रमा गांव की रहने वाली निर्भय कुमार सिंह की बेटी शिवानी सोलंकी कुछ महीने पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने जगदीशपुर के चंदेरी गांव के एक ब्राह्मण जाति के लड़के से शादी कर ली। अंतरजातीय विवाह उसके पूरे परिवार को गवारा नहीं हुआ। लड़की राजपूत और लड़का ब्राह्मण था। उसके भाई को हर पल अपनी बहन का प्रेम विवाह खटकता रहता था। दीपावली पर लड़की की मां ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया और दीपावली की रात शिवानी को उसके चचेरे भाई साहिल सिंह ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में साथ देने में मृतका के सगे भाई भी शामिल थे। साथ ही साथ उनके चाचा अभय कुमार सिंह ने भी इस घटना को अंजाम देने में साथ दिया था। मामला पूर्ण रूपेण ऑनर किलिंग का दिख रहा है। इस मामले को लेकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले ली है और सजौर थाना अध्यक्ष महाश्वेता सिंह ने बताया कि मृतक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी और उससे वह विवाह कर ली। यह बात उसके भाई को गवारा नहीं हुआ। बदले की भावना में उसे आज ऑनर किलिंग के तहत गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवती शिवानी का पूरा परिवार इस शादी से नाराज था। हत्या के बाद उसका अपना भाई और चचेरा भाई साहिल सिंह भी फरार है। पुलिस खोजबीन में जुटी है। वहीं पोस्टमार्टम में पहुंचे लोगों से इस घटना के बारे में पूछा गया तो किसी ने कुछ भी बताने से इनकार किया। वहीं होमगार्ड वैद्यनाथ पासवान ने भी कुछ भी बताने से इनकार किया, जबकि सजौर थाना के चंद्रमा गांव से मृतक के शव को उनके द्वारा ही लाया गया था। इस घटना को लेकर CTSP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह घटना दीपावली के 12 बजे रात की है। इस घटना में संलिप्त 3 लोग हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी 2 अभियुक्त जो है अभी उसकी छापेमारी चल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि जांच से पता चल रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। महिला ने किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी, इससे घर वाले काफी नाराज थे और लगातार धमकियां भी दी जा रही थी। और कल रात में युवती को बहला फुसला कर उसके घर बुलाया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि मृतका के चचेरे भाई साहिल सिंह ने गोली मारी है। इसके अलावा मृतका का अपना सगा भाई और चाचा भी इसमें शामिल है। वहीं मृतका के चाचा अभय कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल्द और 2 अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं CTSP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मृतका शिवानी के माँ पिता की इसमें कोई संदेह नहीं पाई गई है। माँ के ही बयान पर केस भी दर्ज हुआ है। कल रात में करीब 12 बजे सजौर थाना अंतर्गत एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और घटना में संलिप्त 3 लोगों में से 1 लोगों की गिरफ्तारी कल रात में ही कर ली गई थी। बाकी जो 2 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। क्या मामला लग रहा है ये अभी तक जांच पड़ताल में पता चला है प्रेम प्रसंग का मामला है। महिला ने किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ शादी जाकर कर लिया था देवघर में और इससे घर वाले काफ़ी नाराज़ थे और लगातार उनको धमकियां दे भी रहे थे और अंततः कल रात में उन्होंने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। गोली किसने चलाया सर? गोली में जो मुख्य अभियुक्त साहिल सिंह का नाम आ रहा है, जो मृतिका का चचेरा भाई है और इसमें मृतिका के चाचा इन्वॉल्व हैं और उनका अपना भाई भी इन्वॉल्व है और इन लोगों को गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है अभय कुमार सिंह को और उसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। माता पिता का हाथ नहीं आ रहा है और हम लोगों ने माँ का बयान लिया है, पिताजी का भी बयान लिया है और माँ के बयान पर ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कुछ तस्वीरें सामने आई क्या जो प्रेम विवाह किया था लड़के ने? इसमें अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सुनने में आया था अभी देवघर जाकर शादी करने की बात आ रही है और इसकी भी हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। घटना तो हम लोग को पता चला सुबह। क्या? मर गया भतीजी है अभय सिंह का। अभय सिंह का भतीजी है? अभय सिंह कौन है? इनका हम लोग का गांव का है। अरे इसका कौन है अभय सिंह? बड़े पापा लगते हैं। इसका पिताजी का नाम क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह घर? चंद्रामा। चंद्रामा असली नाम बोला? निर्मय सिंह थी ना? निर्मय सिंह। निर्मय निर्भय निर्भय सिंह। घर?
चंद्रामा। लड़की का नाम क्या है? शिवानी। शिवानी, कौन गोली मारा है इसको? ये नहीं बता सकते हम लोग तो हुक्का पत्ती खेल के। इसका भाई ने गोली मारा है जी? नहीं जानते। काहे गोली मारा है? मालूम है तो आयो कल तब मालूम है। हम लोग को बुलाया पूछे वहाँ तो सुने कैसे सी बात है। क्या क्या बात सुने? वही कि गोली मरा था। कौन मारा था? मरा था कौन तो बोला भाई मारा है। भाई मारा या कौन मारा लेकिन वहाँ गोली मरा था। लड़की को मारा? हाँ। क्या पता चला आप लोग को? पता तो यही सुने हम लोग, हम लोग थे तो वही गोली मरा था। कौन मारा था ये सुने ना? हाँ कौन मरा ये पता नहीं, कौन मरा ये पता नहीं। भाई ना मारा है? आप कौन मरा ये पता तो नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई नहीं हम बोले नहीं सुने। आप क्या सुने? वही सुने ना कि भाई मारा है? हाँ हम लोग वही सुने कि नहीं गोली मरा है। हाँ भाई मारा है। भाई मारा है कौन मारा लेकिन सुने हम लोग गोली मारा है। क्या नाम है लड़की का? किसका? लड़की का? लड़की का नाम है शिवानी है। और कौन है? कौन गांव? कौन गांव? चंद्रमा। आपका नाम क्या? आपका नाम? बैजनाथ पासवान।